देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई मेन हाल ही में जेईई मेन की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि एनटीए ने जो नए नियम लागू किए हैं 75% क्राइटेरिया और अपने बोर्ड में टॉप 20% क्राइटेरिया में आने वाले बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं को पूरी तरह हटाकर उन्हें राहत दी जाए। 2021 में बोर्ड का एग्जाम ही नहीं हुआ था। 2021 में बोर्ड के हिसाब से इम्प्रूव करने का जो नवंबर था उस पर कोई बात ही नहीं करी, कोरोना चल रहा था। 2022 के अंदर बोर्ड का एग्जाम हो गया लेकिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए 2022 के नवंबर तक कुछ भी नहीं बताया और दिसंबर में जगाया तब तक देर हो चुकी थी। तो जब आपने इनको अवसर नहीं दिया इम्प्रूव करने का तो किसी भी तरह से आप इनके लिए बोर्ड की परसेंटेज को थोप नहीं सकते, भले वो 75% हो या टॉप 20% क्राइटेरिया हो। और जो 2023 के बच्चे हैं वो पीछे क्या चला, सीनियर्स के साथ क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, उसको देखते हुए अपनी पॉलिसी भी लेके चलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2022 में 12th का एग्ज़ाम दिया था और ड्यू टू कोविड सिचुएशन पढ़ाई कुछ अच्छी हो नहीं पाई थी। 75% स्कोर करने में अनेबल रहा था, मेरा स्कोर बहुत ही कम रहा था। फिर मैं 12th के बाद कोटा प्रिपेयर करने के लिए आ गया। मैंने 2-3 महीने 5 महीने यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रही। फिर जैसे ही दिसंबर की आई उस टाइम अनाउंस हुआ कि 75% क्राइटेरिया लगा दिया है तो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है, इसका कोई मेरे को फल नहीं मिलेगा। अगर इनको पहले ही 75% लगाना था तो नवंबर से पहले इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, जिससे कि स्टूडेंट्स अब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरते और स्कोर पढ़ते 75% से ज़्यादा। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसे 75% रिमूव कर दे जिससे स्टूडेंट्स को रिलैक्स मिले। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं उदयपुर से हूँ। ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो ये 75 का क्राइटेरिया है वो हटा दिया जाए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चे ग्रसित हुए हैं, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कोटा में बच्चे अपना सपना लेकर आते हैं कि IIT जाएंगे, NIT जाएंगे टॉप में, लेकिन वो सपना उनका टूट गया जब ये 75 का क्राइटेरिया आ गया। इससे मैं भी खुद हार्म हुआ हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपना आया था एक सपना लेके कि IIT जाऊँगा या NIT में जाऊँगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। लेकिन जब जैसे ही ये नोटिस आया मेरा जो मोटिवेशन था वो सारा ख़त्म हो गया एक ही बार में। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये 75 का क्राइटेरिया है वो हमारे लिए, बच्चों के लिए सपने जो अपना लेकर आए हैं यहाँ पर वो हटा दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम यशवर्धन स्वर्णकार है, मैं UP से हूँ। सरकार से यही करना चाहूँगा, खास करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो जो 75% क्राइटेरिया जो कि लागू किया गया है कृपया उसे वापस लें, क्योंकि उसकी वजह से आज जितने भी IIT JEE मेंस के एग्ज़ाम देने वाले जो 2023 में जो देंगे उन सभी के लिए ये अन्याय किया गया कि समय पर ना बता करके दूसरे टाइम पर बता दिया गया है। अब ये तो गलत है कि नहीं, बताइए, गलत है ना? तो गलत है उसके, और ऊपर से क्या हुआ, बच्चे अब मांग कर, बच्चे सिर्फ इतना कर रहे हैं अभी कि मुझे 75% क्राइटेरिया से मुक्त कर दिया जाए, मुझे ये वापस आप अपना करुण भाई पॉलिसी वापस लो। वो भी नहीं, वो अभी तक जैसे हमारे जो BM सर हैं वो अभी चले गए थे कहाँ, शिक्षा मंत्री के पास, कोई फायदा नहीं हुआ जाने से भी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसके अभाव में जो भी बच्चे हैं हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनको दर्द को देखते हुए मैं सर से परमिशन लेकर के इस जगह पर आया हूँ कि भाई चलो आवाज़ उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर हो जाए सरकार।